मैं फ्रिज खोल के सारा कुछ खा जाता था, मतलब अगर मलाई रखी हुई है या जो भी रखा हुआ है घर में, नॉर्मल इंडियन घर था तो मिठाइयाँ भी होती थी एंड एवरीथिंग। मेरे को शुगर की प्रॉब्लम हो गई थी, मुझे हार्ट प्रॉब्लम हो गई थी, मैं पटैटो नहीं कहूँगा, मैं पूरा सैक ऑफ पटैटोज कहूँगा जो मैं बन गया था। मैंने बेड से उठने की कोशिश की और मेरे से उठा नहीं गया, मतलब जितनी बार मैं उठने की कोशिश करता था उतनी बार ही मैं गिर जाता था। सिर्फ 100 मीटर पे था मार्केट, तो वो जाना और वो लेके वापस आना, That was like कि मुझे ओलंपिक का गोल्ड मेडल मिल गया। मेरा नाम दिनेश मोहन है और मैं एक सीनियर एज मॉडल और एक्टर हूं और फिलहाल खुश हूं इसी स्पेस में। 57 साल की एज पे मैंने इस इंडस्ट्री में एंटर किया है, तो वो टैग मेरे साथ लग गया हुआ है, सीनियर एज मॉडल एंड एक्टर, हालांकि मैं अपने आप को सीनियर एज बिल्कुल नहीं मानता। कुछ परिस्थितियां ऐसी हो गई कि उनके सामने मैंने गिव अप कर दिया उन परिस्थितियों के आगे, और मैंने नौकरी छोड़ दी, घर छोड़ दिया और अपना शहर छोड़ दिया, और एक बड़ा लंबा मेरा स्ट्रगल चला डिप्रेशन के साथ, हैंडीकैप कंडीशन के साथ, मेंटल इलनेसेस के साथ। बहुत सी चीज़ें मुझे रियलाइज़ होने लग गई कि मैं ज़िंदगी में क्या खो रहा हूँ, मैं क्या मिस कर रहा हूँ, मेरी ज़िंदगी में क्या क्या नॉर्मल नहीं है। ये 40 साल की एज पे मैं सोचने को मजबूर हुआ और वहाँ से जो है मैं बहुत डीप डिप्रेशन में जाने लग गया। मैंने रियलाइज़ किया कि अब जीवन बिल्कुल ख़त्म है, कि नौकरी नहीं रही, आपके पास फाइनेंशियल दिक्कतें हैं, आपका कोई मित्र नहीं है, कोई दोस्त नहीं है, कोई सर्कल नहीं है, आपको मोस्टली घर में ही रहना है, और आपका वेट जो है वो आपकी अपनी हैबिट्स, खाने की हैबिट्स की वजह से इतना बढ़ गया है कि आप बाहर जाते हैं तो लोग हंसते हैं, यू नो, बॉडी शेमिंग था बहुत ज़्यादा। तो धीरे धीरे मैं घर के अंदर ही अपने बंद होके रह गया, मतलब आई डोंट नो मैं कैसे बोलूं कि मैं सुसाइडल भी जो है वो हो गया था। बहुत बार मैंने सोचा कि इसको ख़त्म ही कर लिया जाए, क्योंकि इस तरह से कब तक चलेगा। तो मतलब जैसे कहते हैं बिल्कुल हारने वाली स्थिति जो है वो जीवन में आ चुकी। जब मैं डिप्रेशन में गया तो खाना पीना जो है वो मेरा ओनली रिलीफ, जैसे कहते हैं ना, जहाँ आपको कुछ अच्छा लगता है वो एक जोन ऐसा रह गया। तो शो में सबको यही करता था कि नहीं, मैं बहुत हेल्दी थिंकिंग है मेरी, मैं बहुत सोच के खाता हूँ, मगर जैसे ही मेरा घर खाली होता था मैं फ्रिज खोल के सारा कुछ खा जाता था, मतलब अगर मलाई रखी हुई है या जो भी रखा हुआ है घर में, नॉर्मल इंडियन घर था तो मिठाइयाँ भी होती थी एंड एवरीथिंग। और धीरे धीरे मुझे समझ ही नहीं आया कि वेट जो है वो इतना बढ़ गया, और आप खुद नोट नहीं कर पाते, आपके घर वाले भी इतना नोट नहीं करते बिकॉज वो आपको रोज़ देख रहे हैं, मगर बाहर के लोगों ने जब कहना शुरू किया, कि हंसना शुरू किया, बच्चों ने जो है पॉइंट आउट करना शुरू किया लोकेलिटी के, तो बहुत अजीब लगने लग गया। मेरे को शुगर की प्रॉब्लम हो गई थी, मुझे हार्ट प्रॉब्लम हो गई थी, और मूवमेंट तो कम हो जाती है, एक्सरसाइज बिल्कुल ज़िंदगी से ख़त्म हो गई थी, काउच पटैटो जिसको आप कह सकते हैं टिपिकल, मतलब मैं पटैटो नहीं कहूँगा, मैं पूरा सैक ऑफ पटैटोज़ कहूँगा जो मैं बन गया था, मतलब आलू की बोरी बन गया था मैं बिल्कुल। जब लास्ट टाइम जब मैं वेइंग मशीन पर चढ़ा था या चढ़ने लायक था तो 125 किलो था, मगर उसके बाद भी मुझे रियलाइजेशन थी कि हाँ वेट बढ़ रहा है, मगर फिर मशीन की तरफ, मैं वेइंग मशीन की तरफ देखना भी बंद कर दिया था, कि मैंने शीशा देखना बंद कर दिया था। मैं अपने आप से इतनी नफरत हो गई थी कि मैं शीशे के सामने नहीं जाता था कहीं, मतलब कहीं बाहर तो खैर निकलता ही नहीं था, घर में भी जो जिस साइड पे शीशा था उस साइड मैं जाता ही नहीं था बिल्कुल। अगर मैं बाथरूम भी किसी तरह से पहुंच गया हूं तो मैं शीशे में देखता ही नहीं था, मतलब इतना दिमाग जो है वो खुद से इतनी नफरत करने लग जाता है। एक दिन सुबह जो है मुझे याद है, शायद 2009 की बात है और सर्दियों के दिन थे, फरवरी था, मैंने बेड से उठने की कोशिश की और मेरे से उठा नहीं गया, मतलब जितनी बार मैं उठने की कोशिश करता था उतनी बार ही मैं गिर जाता था। ऐसा कम से कम 20-25 बार हुआ और मैं बहुत शॉक में चला गया, पैनिक हो गया एकदम से कि ये मेरे साथ क्या हो रहा है। और मैंने तुरंत जो है अपने फैमिली मेम्बर्स जो दूसरे कमरे में थे उनको कॉल किया और डॉक्टर से बातचीत हुई और पता लगा कि मुझे बिनाइन वर्टाइगो हो गया है, पोजिशनल वर्टाइगो होता है, आप एक पर्टिकुलर पोजीशन में जाते हैं तो आपका बैलेंस जो है वो बिगड़ जाता है, और वो चीज़ बढ़ते बढ़ते इतनी ज़्यादा बढ़ गई कि मेरा चलना फिरना जो है वो बिल्कुल बंद हो गया। धीरे धीरे महसूस होने लग गया कि मेरी उम्र के लोग जो हैं वो अभी बड़ी नॉर्मल ज़िंदगियाँ जी रहे हैं, घूम फिर रहे हैं, फ्रेंड्स हैं सबके, हंस खेल रहे हैं, पार्टीज़ में जा रहे हैं, सोसाइटी में कुछ कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, और मैं जो है टैलेंटेड होते हुए, इंटेलिजेंट होते हुए भी अपनी परिस्थितियों से हार के, कि चार लोगों ने कहा कि तुम ऐसे हो, चार ने कहा तुम ऐसे हो, तो अपने आप को वो मान के मैं बैठ गया, जो कि मैंने बहुत गलत किया। आई नेवर, यू नो,
सबसे बड़ी मेरी कमी रही है, आई नेवर फॉट बैक। तो बहुत हिम्मत लगी मुझे उठ के एक नॉर्मल चार कदम भरने में भी। मतलब फर्स्ट टाइम जब मैं घर से निकला और मैं गाड़ी में, मेरे ब्रदर इन लॉ मुझे मार्केट लेके गए एंड उन्होंने कॉन्शियसली मुझे बोला कि जाके दूध के पैकेट लेके आओ। सिर्फ 100 मीटर पे था मार्केट, तो वो जाना और वो लेके वापस आना, दैट वाज लाइक कि मुझे ओलंपिक का गोल्ड मेडल मिल गया। मतलब आई स्टिल रिमेंबर दोज मोमेंट्स, क्योंकि बहुत मुश्किल था मेरे लिए चार कदम चल पाना भी। मुझे ये बहुत बड़ा विश्वास जो है उस अपने उस फेज से हो गया कि अगर आप इतना सा भी हाथ हिलाएंगे तो ऊपर वाला जो जिसकी कलम आपकी आने वाली ज़िंदगी लिख रही है तो वो आपके लिए कुछ ऐसा लिखेगा जो आपने कभी सोचा नहीं होगा। सो मैंने उस चीज़ को चांस दिया कि हाँ चलो देखते हैं अब ऊपर वाले की क्या मर्ज़ी है। तो मुझे समझ आ गया कि मुझे अपने खाने की हैबिट्स बदलनी है तो मैं अपना जीवन बदल पाऊँगा। ये तो खैर बाद में मुझे फिटनेस एक्सपर्ट्स ने बताया कि आपने बिल्कुल ठीक किया, क्योंकि 80% जो हमारा फिटनेस जर्नी है वो हमारी फूड हैबिट्स के ऊपर डिपेंड करता है। मैंने अपना टेस्ट बदला, अपनी फूड हैबिट्स बदली, 8-9 महीने के अंदर लगभग 45 किलो से ऊपर, हाँ जी, वो मेरा वेट लॉस जो है वो हो गया, मुझे पता भी नहीं चला। तो लोगों ने कहना शुरू किया तो फिर मैंने अपने आप को शीशे में देखना शुरू किया अच्छे से कि हाँ चेंज आ रही है और मैं बदल गया हूँ, वाकई में ही बदल गया हूँ। फिर तो वही मतलब हवाओं में म्यूज़िक और एक ऐसी मेंटल स्टेट हो गई, मतलब आई फेल इन लव विथ लाइफ अगेन एट दैट स्टेज। मतलब फिर से प्यार हुआ जीने से। मैं घर आया एक दिन ऐसे ही फिजियो सेशन के बाद, तो मेरी सिस्टर ने बताया कि एक मॉडलिंग एजेंसी का ऐड आया हुआ है। मेरी सिस्टर ने जो है वहाँ पे प्रोफाइल क्रिएट किया उस मॉडलिंग एजेंसी की वेबसाइट पे। उस एजेंसी से हफ्ते के अंदर अंदर मुझे कॉल आ गया एंड ऑडिशन पे बुलाया गया, जो कि मैं जाने को रेडी नहीं था बिल्कुल। बट अगेन मेरे ब्रदर इन लॉ ने बोला कि नहीं, मैं दफ्तर से छुट्टी लूँगा, मैं खुद तुझे ड्राइव करके लेके जाऊँगा एंड यू हैव टू गो, यू हैव टू टेक अ चांस, सेकेंड चांस एट लाइफ। एंड मैं गया वहाँ पे ऑडिशन में एंड यकीन मानिए, मतलब सारा कमरा जो है वो यंग लोगों से भरा हुआ था, फिट बॉडीज़, टॉल लड़के लड़कियाँ। मेरी एज ग्रुप का पहले तो कोई बंदा ही नहीं था वहाँ पे, तो जाते ही कॉम्प्लेक्स हो गया कि यार इनके बीच में मैं कहाँ सेलेक्ट होऊंगा। आई नेवर रियलाइज कि मेरी कैटेगरी जो है वो फ़र्क है, वो तब तक मुझे रियलाइजेशन नहीं थी। मगर जब मुझे ऑडिशन के लिए बुलाया गया और स्पॉटलाइट ऑन की गई, मुझे इतना नेचुरल लगा उसके आगे, और जो मेरे से करने को कहा गया वो इतना नेचुरली मुझ में आया। जितने रिएक्शंस उन्होंने मांगे मेरे से कि अब हंसिए, अब बात कीजिए, अब ये एंगल दीजिए, कि मुझे उस 15 मिनट में रियलाइज़ हो गया कि यही करने के लिए मैं पैदा हुआ था शायद। और घूम फिर के 57 साल की एज पे मुझे भगवान ये सारा जर्नी दिखा के यहाँ तक ले आया। सो आई फेल्ट दैट आई हैव अराइव्ड, कि मैं पहुंच गया हूं मंजिल तक। जिनको भी पता लगा कि मैं मॉडलिंग में गया हूं, ऑडिशन पे गया हूं एंड ऑल दैट, तो सब लोगों ने मजाक ही उड़ाया, आई एम सॉरी टू से सो, बिकॉज सबको लगा कि इसका इतना गंदा जर्नी रहा है, जिसे ब्रांड कर दिया जाता है ब्लैक शीप ऑफ द फैमिली, फेलियर का टैग जो है आपके गले में खोटे सिक्के वाला लग जाता है। तो सबको लगा कि ये तो मतलब रोने धोने के लिए और तैयारी कर ली, अब इसने मतलब सारी दुनिया छोड़ के इसको मॉडलिंग ही मिली थी करने के लिए, वो भी बुढ़ापे में। और आज मैं एक जॉयफुल मेंटल स्टेट में हूँ। जीवन इतना खूबसूरत है, उसको कौन लंबे टाइम तक और हेल्दीली नहीं जीना चाहता। मेरा ख्याल है कि आप अगर जीवन की रिस्पेक्ट करेंगे, खुद से प्यार करेंगे, तो फिर जीवन भी आपको पलट के पूरा प्यार दे, ये मेरा मान। मेरा 40s के अंदर जो है बढ़ते बढ़ते वेट ऑलमोस्ट 135 किलो हो गया था, और अब जो है मैं अपनी हाइट के हिसाब से मेरा वज़न जो है वो 78 और 80 किलो के बीच में घूमता है। मेरा जर्नी ऐसा ब्रिलियंट रहा है कि 40s के अंदर 135 और 60s के अंदर 78। सो मोटापे से मॉडल वेट, फिट वेट की तरफ ये मेरा जर्नी रहा है।